नमस्कार बच्चों, मैं नेहा सेन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और ले चलती हूँ फिर आपको कक्षा 10 के पाठ्य पुस्तक क्षितिज की ओर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कविता अभी ना होगा मेरा अंत, जिसके रचयिता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब कविता को पढ़ने से पहले हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं, कवि के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि उनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारी परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आवश्यक रूप से ही आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी जी का परिचय। अब सबसे पहले इनका जन्म, इनका जन्म सन 1896 अर्थात संवत 1955 में हुआ था, ठीक है। इनका जन्म स्थान बंगाल का मेदिनीपुर जिला है। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी था। रामकृष्ण आश्रम में रहकर इन्होंने संपादन कार्य किया था समन्वय पत्रिका का। इसके अलावा जन सामान्य में इनके उपनाम दारागंज का संत और दीनों का मसीहा नाम से भी इन्हें जाना जाता था। इसके अतिरिक्त इन्होंने मतवाला और सुधा नामक समाचार पत्र जो थे, साहित्य से संबंधित पत्र जो थे, इनका संपादन कार्य किया था। इनका निधन 15 अक्टूबर सन 1961 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। इनका उपनाम, इनके बहुत सारे उपनाम, उपाधियां जो होती हैं वो क्या कहती है, एक तो इन्हें छायावाद का महेश कहा जाता है, इससे पहले जयशंकर प्रसाद जी को मैंने बताया था आपको कि इन्हें ब्रह्मा की उपाधि दी गई है, और सुमित्र नंदन पंत जी को विष्णु की उपाधि दी गई है। छायावाद के त्रिदेव कौन कौन है, हमारे एक तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जिन्हें महेश कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद जी जिन्हें ब्रह्मा की उपाधि दी गई है, और सुमित्रा नंदन पंत जी जिन्हें किसकी उपाधि दी गई है, जिन्हें विष्णु की उपाधि दी गई। इसके अलावा हमारी कौन बची है, जो चार स्तंभ है मुख्य छायावाद के, उनमें महादेवी वर्मा भी हमारी गिनी जाती है। इसके अलावा आधुनिक काल का गोरखनाथ इन्हें कहा जाता है, महाप्राणी इन्हें कहा जाता है, औढ़रदानी इन्हें कहा जाता है, छायावाद में कठिन काव्य का प्रेत इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अगर वैसे आप देखें तो कठिन काव्य का प्रेत केशव दास जी को कहा जाता है, जो कि रीतिकाल के प्रवर्तक माने जाते हैं। कठिन गद्य का प्रेत हमारे अज्ञेय जी को माना जाता है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान देने वाली है। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था, क्यों, क्योंकि ये रविवार को जन्मे थे इसलिए इनका नाम सूर्य कुमार रखा गया था। सूर्यकांत त्रिपाठी इन अपना नाम जब बदला, मान लो 1917 और 18 में इन्होंने अपना नाम बदला था। आगे है निराला का पहली कविता, इनकी जन्मभूमि थी और कविता संग्रह अनामिका था। इनकी पहली कविता कौन सी थी, जन्मभूमि। कविता संग्रह कौन सा था, यानी बहुत सारी कविताओं का संकलन इन्होंने किसमें किया था, अनामिका में किया था। और निबंध जो था इनका पहला, वो था बंग भाषा का उच्चारण, ठीक है। निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक हैं। मैंने आपको छंद बताए थे, उन छंद में तीन प्रकार के छंद बताए थे, वर्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्तक छंद। तो मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन है, हमारे निराला जी है। मुक्तक छंद यानी उसमें किसी प्रकार की लय गति तुक वगैरह का ध्यान नहीं रखने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसे केचुआ छंद भी कहा जाता है और इसे रबड़ छंद भी कहा जाता है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, लिली, सुकुल की बीवी, चतुरी चमार, देवी सखी, श्रीमती गजानंद देवी, ये इनके कहानी संग्रह है। इनका प्रमुख नाटक शकुंतला है, जो कि अनुदित है। अनुदित का मतलब अन्य भाषा से अनुवाद किया हुआ है। प्रमुख उपन्यास है इनके अप्सरा, जो कि 1931 में लिखा था, प्रकाशित हुआ था। अलका, जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ था। प्रभावती 1936 में, निरुपमा 1936 में, कुल्ली भाट 1938 में, और बिल्लेसुर बकरीहा 1942 में। नेट की परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है बिल्लेसुर बकरीहा के बारे में, बहुत बार प्रश्न पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया हिंदी सब्जेक्ट से, और नेट में भी ये प्रश्न अधिकतर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, इनका प्रमुख काव्य संग्रह है अनामिका, जो कि 1923 में प्रकाशित हुआ था। परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में, तुलसीदास 1939 में, कुकुरमुत्ता 1942 में, अरिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सांध्य कांखली, अपरा, राम की शक्ति पूजा, ये इनकी लंबी कविता है जो हमें मोस्टली अधिकतर किताबों में देखने को मिलती है। ट्वेल्थ क्लास का जो साहित्य है, हिंदी साहित्य की पुस्तक में भी आपको
आपको राम की शक्ति पूजा देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो 8th क्लास लास्ट ईयर जो सिलेबस था उसमें भी आपको राम की शक्ति पूजा देखने को मिलती है। कविता इनके प्रमुख कविताओं में भिक्षु, विधवा, बादल रात, वह तोड़ती पत्थर, संध्या सुंदरी और धर्म पकौड़े प्रमुख मानी जाती है। साहित्यकारों के अनुसार इनकी प्रथम कविता जूही की कली मानी जाती है, जो कि 1916 में प्रकाशित, जो इन्होंने 1916 में लिखी थी और प्रकाशन वर्ष इनका 1922 है। इनकी प्रमुख कविताएं जो है वो इस प्रकार से हैं। और अगर पूछा जाए इनकी पहली कविता कौन सी है, तो कुछ साहित्यकार इनकी पहली कविता जूही की कली को मानते हैं और कुछ इनकी इससे पहले जो कविता हमने देखी थी जन्मभूमि को भी मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कविता अभी ना होगा मेरा अंत। ये जो कविता है, इस कवि ने व्यक्ति को जीवन में निराश ना होने का संकेत दिया है कि हमारे जीवन में हमेशा आशा रहनी चाहिए। व्यक्ति के कार्य करने की जो ललक होती है, जिज्ञासा होती है, वो हमेशा जीवित रहनी चाहिए। कविता है अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में प्रदुल वसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। यहाँ पर कवि जिजीविषा, जिजीविषा क्या होती है, जीने की इच्छा। जो व्यक्ति जीने की इच्छा रखता है वो जिजीविषा कहलाती है। और यहाँ पर कवि ने जिजीविषा यानी जीने की इच्छा को व्यक्त किया है कि व्यक्ति को कभी भी अपने मतलब अपने विचारों को कभी भी वृद्ध नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि मैं अभी भी अभी 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 तो आया है मेरे जीवन में रजू संघ, यानी अभी मेरा अंत नहीं होगा। क्या कह रहे हैं कवि, अभी ना होगा मेरा अंत, कि मेरा अंत अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी ही तो आया है कि अभी अभी मेरे जीवन में मृदुल वसंत आया, यानी मेरी जो जीवन प्रारंभ हुआ है इस जीवन लीला के अंदर अभी अभी वसंत आया। जब वसंत ऋतु आती है तो क्या होता है, चारों ओर हरियाली छा जाती है, खुशनुमा माहौल हो जाता है, वातावरण सुगंधित हो जाता है, प्रत्येक पौधों पर प्रत्येक पेड़ के ऊपर पुष्प खिल जाते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार पूरा दृश्य मनोरम हो जाता है, सुंदर हो जाता है, हरियाली छा जाती है, खुशहाली छा जाती है, क्योंकि फूलों को देखकर हमारे मन में भी खुशी होती है, हमारे मन में भी हर्ष उत्साह होता है। तो वैसे ही कवि ये कह रहा है कि मेरे जीवन में, मेरे जीवन रूपी वन में भी अब मृदुल वसंत आ गया है, मनोरम वसंत मेरे जीवन में आ गया है। अभी ना होगा मेरा अंत, इसीलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो प्रारंभ हुआ है। हरे हरे ये पार डालियां कलियां कोमल गात। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि वसंत ऋतु में जब आपको पता है चारों ओर हरियाली छाती है, अच्छे मतलब पेड़ पौधे हरे हो जाते हैं, उनमें फूल आ जाते हैं, तो कवि ये कह रहा है कि हरे हरे ये पार, यानी जब हमारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं, हमारी यौवनावस्था जब आती है, बाल्यावस्था से जब वो युवावस्था में प्रवेश करता है, किशोरावस्था में आता है, तो उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, जैसे पेड़ पौधों में होते हैं वसंत ऋतु के आने पर। तो कवि यही बता रहे हैं कि मेरे जीवन में अभी यौवनावस्था प्रारंभ हुई है, और इस यौवनावस्था के प्रारंभ होने से मेरे मतलब उस कवि के अंदर शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि हरे हरे ये पार डालियां कलियां कोमल गात, यानी जिस प्रकार डालियां और कलियां जो होती है वो कोमल रूप में होती है, उसी प्रकार कवि का जो अंग है, शरीर है, वो भी कोमल अंगों से परिपूर्ण हो रहा है, पुष्ट हो रहा है। एक बात और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हरे हरे एक ही शब्द की दो बार आवृत्ति हुई है, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश, ये अलंकार क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार में समान शब्दों की आवृत्ति होती है और दोनों का अर्थ एक ही होता है, इसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु के आने पर पेड़ पौधों में परिवर्तन होते हैं, वैसे यौवनावस्था आने पर, यौवन प्रारंभ होने पर कवि में भी शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं, और वो शारीरिक परिवर्तन जिस प्रकार डालियों और कलियों में होता है, कोमल कोमल उनके पत्ते होते हैं, कोमल कोमल गाल होते हैं, अंग होते हैं, वैसे ही यहाँ परिवर्तन कवि में भी नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। मैं ही अपना स्वप्न बदल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि मैं ही अपना स्वप्न बदल कर, यहाँ पर कवि ये कह रहे हैं कि मैं ही अपने सुंदर
स्वप्न को, सुंदर सपने से क्या तात्पर्य है यहाँ, जीने की इच्छा रखना, यानी जो निराशाएं हैं उन निराशाओं के ऊपर आशाओं की विजय होना। तो यहाँ पर कवि यह कह रहा है कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर किया, यानी जो सोई हुई कलियां है, मतलब फूल तो खिल गया लेकिन जो कलियां हैं जो पूरी तरह से विकसित नहीं हुए हैं, उन कलियों के ऊपर मैं अपना हाथ फेरूंगा। कौन सा हाथ? जो सपनों से भरा हुआ है, यानी निराश लोगों में आशा का संचार करना। यहाँ पर मेन मोटिव है यहाँ पर कवि का, कह रहा है कि मैं ही अपने सपने के माध्यम से, मैं ही अपनी आशाओं के माध्यम से, अपनी जिज्ञासा के माध्यम से उन सोई हुई कलियों के ऊपर हाथ फेरूंगा, जिससे कि उनमें एक नई सुबह, यहाँ पर प्रत्युष का अर्थ क्या है, सुबह, भोर, ठीक है, कि मैं ही अपने हाथों को फेरकर उन अलसाई हुई कलियों को फिर से जगाऊंगा और उनके लिए नया सवेरा लाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा रस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सर्ष सींच दूंगा मैं। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि पुष्प पुष्प से, यानी प्रत्येक पुष्प में जो आलस छाया हुआ है, यानी प्रत्येक हमारे समाज के अंदर, ये अपने समाज की बात कर रहा है, कि जिस प्रकार प्रत्येक पुष्प में सोई हुई कलियां हैं, जब सुबह होती हैं और मतलब रात आती है, रात के बाद जब सुबह होती है उस समय सारे पेड़ पौधे सो जाते हैं, यानी वो मुरझा जाते हैं, और सूर्य जब निकलता है तो वापस खिल जाते हैं। तो यही कह रहा है कि पुष्प पुष्प से तंद्रा रस लाल सा खींच लूंगा मैं, कि प्रत्येक पुष्प के अंदर जो आलस छाया हुआ है, जो निद्रा छाई हुई है, उसको मैं खींच लूंगा, यानी उसको मैं खुद ग्रहण कर लूंगा और अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। और मेरे जीवन में जितनी भी आशाएं हैं, जो उत्साह है, उस उत्साह का अमृत मैं उन पेड़ों को अपने अमृत से उन पेड़ों को सींच दूंगा, उन पुष्पों को सींच दूंगा, जिससे उनमें भी उत्साह आ जाए, उनमें भी आशा का संचार हो जाए। यहाँ कवि ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर फिर वही बात, पुष्प पुष्प दिया गया है, जब पुष्प पुष्प समान शब्दों की आवृत्ति हो रही है, कौन सा अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश। इसके अलावा जब प्रकृति के निर्जीव तत्वों को सजीव बता के चित्रण किया जाता है, वर्णन किया जाता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण अलंकार। तो यहाँ पर पुष्प पुष्प से तंद्रा रस, यानी पुष्प को सोया हुआ बताया जा रहा है, उनको निद्रा मग्न बताया जा रहा है। तो जब पुष्प प्रकृति के तत्व है, इनको सजीव बता के वर्णन किया जाता है, क्योंकि सोने का कार्य कौन करते हैं, चेतन प्रस्तु यानी व्यक्ति करते हैं, प्राणी जगत करता है, ठीक है, मनुष्य है या जानवर है, वो सोने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया, मानवीकरण अलंकार हुआ हमारी इस पंक्ति में, मानवीकरण अलंकार। इसके अलावा ये देखिए, सहर्ष सींच दूंगा मैं, स स समान वर्ण की आवृत्ति हो रही है, मैंने वर्ण कहा है, शब्द नहीं कहा है, तो जहाँ समान वर्णों की आवृत्ति होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो इन चार पंक्तियों में तीन अलंकार आपको देखने को मिले, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण और अनुप्रास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां आनंद, अभी ना होगा मेरा आनंद। यहां का भी वर्णन कर रहा है, कवि वर्णन कर रहे हैं यहाँ कि वो जो सोई हुई कलियां हैं, उन सोई हुई कलियों को मैं द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे लिए जहां आनंद, यानी जहां मेरी आशाओं का भंडार है, जहां मैं मतलब जीने की इच्छा जो मेरे मन में है, मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने का जो मार्ग मैंने बना रखा है, उसी प्रकार में मार्ग उन सोई हुई कलियों को दिखा दूंगा, ताकि उनका भी विकास हो सके, जैसे मेरे जीवन का विकास हो रहा है वैसे ही उनके जीवन का भी विकास हो सके, अभी ना होगा मेरा। तो इस प्रकार जब वो कलियां खिल जाएंगी, उनका विकास हो जाएगा, तो मेरे जीवन में भी खुशियां आएंगी, मेरा भी विकास होगा, इस प्रकार मेरा अभी अंत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखिए, वही कौन कौन से अलंकार है, यहाँ देखिए, द द द तीन बार द वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार, ठीक है, तीन बार आवृत्ति यहाँ हुई है। और अभी ना होगा मेरा अंत, यहाँ पर अ, यहाँ पर दूर दूर हो गया, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर ना है, यहाँ पर ना है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
जीवन का यह है जब प्रथम चरण, इसमें कहा मृत्यु है जीवन ही जीवन। अब यहाँ पर कवि क्या वर्णन कर रहा है, कवि यहाँ पर बता रहा है कि अभी जो स्टेज, अभी जो चरण उसके जीवन में चल रहा है, यौवनावस्था अभी अभी उसके जीवन में प्रवेश करी है, वसंत उसके जीवन में अभी अभी आया है, तो मेरे जीवन का तो यह अभी पहला चरण है, प्रथम स्टेज है, पहली सीढ़ी है मेरे जीवन की। तो अभी इसने कहा मृत्यु है जीवन ही जीवन, इसमें मृत्यु का तो कहीं जगह ही नहीं है, मृत्यु की तो यही कहीं मतलब कहीं नाम ही नहीं है। अब मृत्यु से यहाँ क्या आशय है, निराशाओं से आशय है कि जब मेरे जीवन में अभी पहली पहली सीढ़ी आई है तो निराशा की तो बात ही नहीं होती है, यानी मेरे जीवन में तो अभी वसंत ही वसंत है, खुशियां ही खुशियां है, अभी मुझे और आगे बढ़ना है, इसमें मृत्यु नहीं है। क्योंकि मृत्यु आती है तो सारे कार्य समाप्त हो जाते हैं, तो व्यक्ति के पास करने के लिए कुछ नहीं रहता। तो इसलिए यहाँ कवि कह रहा है कि इसमें कहा मृत्यु कि इसमें मृत्यु अभी नहीं है, क्योंकि अभी मुझे और जीना है, मेरे आगे पूरा जीवन खड़ा है जीवन ही जीवन, कि यहाँ पर अभी पूरा जीवन मेरा शेष पड़ा है इसको उपभोग करने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, यहाँ पर कवि वर्णन कर रहा है कि अभी 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 पड़ा है सारा यौवन, कि अभी तो मेरे सामने पूरा यौवन पड़ा है, मेरा पूरा जीवन अभी बाकी है, शेष है, ठीक है, अभी तो आगे मेरा पूरी जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता रे बालक मन, लेकिन मेरा बालक मन जो है, मेरा बाल मतलब छोटा सा मेरा जो मन है, बचपना वाला जो मेरा मन है, वो मेरा मन स्वर्ण किरण कल्लोलों पर, यानी कि अभी अभी मेरे जीवन में जो वसंत रूपी प्रातः का आगमन हुआ है, जो यौवन रूपी स्टेज, जो यौवन का चरण जो अभी अभी मेरे जीवन में आया है, उनकी तरंगों पर, कल्लोले क्या होती है, बड़ी तरंगे बड़ी लहरों को कल्लोले बोला जाता है। तो मेरे जीवन में जो अभी अभी सुबह हुई है, यौवन रूपी सुबह, वसंत रूपी सुबह का आगमन जो अभी अभी मेरे जीवन में हुआ है, वह भयं उसके ऊपर मेरा जो बाल रूपी मन है वो क्रीड़ा कर रहा है, वो खेल रहा है। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर कवि वर्णन कर रहा है, यहाँ पर कवि वर्णन कर रहा है कि मेरे ही अविकसित राग से, यहाँ पर कवि कह रहा है कि मेरे ही अविकसित राग से मतलब क्या है, कि मेरी कल्पनाशीलता से, यानी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो विचार इसने अपने दिमाग में बनाए हैं, या जो आशाएं इसके दिमाग में है, जो कर्तव्य निष्ठा इनके पास में है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो सपने इन्होंने बन रखे हैं, उन कल्पनाओं के माध्यम से ही विकसित होगा बंधु दिगंत। दिगंत क्या होता है, दिगंत होता है दिशाओं का अंतिम छोर, दिशाओं का अंतिम छोर, अंतिम बिंदु, ठीक है। तो कवि क्या कह रहे हैं कि मेरी उन कल्पनाओं के माध्यम से, मेरी उस विचारशीलता के माध्यम से ही, मेरी कर्म निष्ठा की भावना को देख करके ही विकसित होगा बंधु, कि आने वाले समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए ही वो मार्ग विकसित होगा, यानी वो उसी मार्ग पर आगे बढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। इसीलिए अभी ना होगा मेरा अंत, इसलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मुझे अपने कर्तव्य के माध्यम से, अपनी कर्मनिष्ठता की भावना के माध्यम से, और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो कर्तव्य मैंने पालन किए हैं, जो आशाओं का संचार मैंने किया है, उस संचार के माध्यम से आने वाली पीढ़ी का मार्ग भी प्रदर्शित होगा, आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शन का कार्य करेगा, इसीलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। तो बच्चों कैसी लगी आपको कविता, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।